हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट्स। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं रस्सा वाला मांस। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी से बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमने 1 kg मटन लिया है। एक प्रेशर कुकर में 1 ग्लास पानी गर्म कर लिया है, उसमें मटन को डाल दिया, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया और 1 सैशे मीट मसाला का डाल दे रहे हैं। आप कोई सा भी ब्रांड का मीट मसाला ले सकते हैं, पर ये वाला ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे अच्छी तरह से मिला लिया। अब ढक्कन लगाकर इसे हम 4 विसल तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 4 विसल आ जाने के बाद इसका जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो इसे अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। ये दूसरे प्रेशर कुकर में हमने 4 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम कर लिया है। ये खड़े गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, 2 सूखी मिर्च और तेज़पत्ता। तेल गरम होने से 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया। जीरा क्रैकल हो जाने के बाद ये खड़े गरम मसाले डाल दिए हमने। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 kg के जितना प्याज बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं हम। अब इसमें डाल दे रहे हैं हम 1/2 टीस्पून नमक और इसे भी मिला लेंगे। और इसका ढक्कन लगाकर इसे हम लो फ्लेम पर 2 विसल आने तक पकाएंगे। और प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद इसे हम खोलकर देखिए, देख रहे हैं जैसे एकदम सॉफ्ट हो चुका है प्याज। अब इसे अलग कढ़ाई में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये प्याज एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसका पानी है वो ज़रा सा हम सुखा लेंगे। ये देखिए, इसका पानी पूरा एकदम निकल चुका है। अब इसे हम डाल दे रहे हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये साबुत 2 लहसुन डाल दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। 3 टमाटर लिया है हमने, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे और इसी में डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, नमक अपने हिसाब से डालें। टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर या कोई भी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सनराइज का मीट मसाला 1 सैशे, और आप कोई सा भी कंपनी का ले सकते हैं मीट मसाला। और इसे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो मटन का यखनी है, मटन पकाने के बाद जो पानी है उसमें से 1 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ा जलने के चांसेस होते हैं, इसमें इसीलिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी रहता है। मसाले भूनने के बाद इसमें हमने मटन को डाल दिया। मटन ऑलमोस्ट पक चुका है और इसे फिर से पका लेंगे हम 15-20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक ढक के, और या फिर आप जितना सॉफ्ट खाते हैं उतना इसे पका लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रस्सा वाला मांस बन के तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में बनाइए इसी तरह से सिंपल रेसिपी से, और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय मटन रस्सा। बाय फ्रेंड्स।